अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आप सब की दुआओं की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी, आप कहते होंगे कि काफ़ी टाइम हो गया, कोई वीडियो नहीं आई, कोई वीडियो नहीं आ रही थी, क्योंकि जो था वो बस कुछ इश्यूज़ थे जिसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सकती थी। कुछ टाइम की वजह से वीडियोस तो काफ़ी थी बट अपलोड नहीं कर सकती थी मैं। तो हाँ जी, ये बात है जी, एक संडे की बात है। मैं कहती हूँ वंस अपॉन अ टाइम एक दफ़ा का ज़िक्र है जी, कि एक टाइम पे हम लोग गए थे जी नाश्ता लेने, और ये देखिए सुबह के टाइम पे कितना ज़बरदस्त मौसम था। ये मेरे ख्याल में जिस संडे को बारिश हुई थी ना, ये उसी संडे की बात है, ये वही वाले इतवार की बात है। और हम लोग जा रहे थे जी नाश्ता लेने, तो जब इस तरह का मौसम होता है ना, बड़ा ज़बरदस्त मौसम होता है, फिर हम लोग मोस्टली बाइक पे निकलते हैं, फिर हम लोग गाड़ी वगैरह पे नहीं निकलते हैं। तो हम लोग जा रहे थे, काफ़ी मेरे ख्याल में जो कैंची पे रहने वाले लोग हैं, कैंची स्टेशन पे रहने वाले लोग हैं, उनको आइडिया होगा कि उनके वहाँ के सबसे फेमस जो हैं वो नासर नान चने वाला है। और ये स्पॉन्सर्ड बिल्कुल भी नहीं है वीडियो, ठीक है। और क्योंकि हम लोग अक्सर जो है ना, अक्सर हम लोग हमारे जो है ना, वो नज़दीकी सबसे जो अच्छे वाले चने हैं ना, वो इसी के या नासर चने वाले के, मियाँ नासर जी चने वाला, तो इसी के ही स्पेशल है। इस वजह से हम मोस्टली इसी के ही खाते हैं, और अच्छे भी जो है ना, वो हमें टेस्ट इसका भी अच्छा लगता है। फ्रेश नान होते हैं इसके पास तंदूर के, और वो हम लोग जो है ना, वो बड़े शौक से खाते हैं। फिर ये इनका अंडा कोफ्ता भी होता है कोई स्पेशल सा, और इनके मुझे सबसे ज़्यादा जो मज़े की बात लगती है, इनके रायते की वो होता है, रायता इनका मुझे बड़ा टेस्टी लगता है। और यकीन जाने इनके जो चने होते हैं ना, वो रायते के साथ ही मज़ा आता है। तो अगर तो कैंची पे जो रहने वाले लोग हैं, जो गाजी रोड वाले कैंची वाले जो लोग हैं, वो जो देखते हैं वीडियो, वो लाजमी यहाँ पर जाएँ, विज़िट करें और खाएँ। बहुत ज़बरदस्त इनके जो है ना, वो नान चने होते हैं। तो ये बच्चा हंस रहा था देख कर के, आप लोग वीडियो बना रहे हैं, तो वो हमें कह रहा था जी ये ऊपर बोर्ड लगा हुआ है तो आप इसकी बनाएं। हम लोग हंस पड़े थे कि वो बच्चे को भी पता चल रहा था कि मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। उसके बाद जी हम लोग घर आ गए थे। घर आकर तो जी हम लोगों ने नाश्ता शास्ता किया, चाय शाय पी, वो फिर मैंने कोई भी वीडियो रिकॉर्ड नहीं की थी जी। मेरे कुछ बहन भाई मुझे कहते हैं जी, मैं जो बोलती हूँ वो ऐसा लग रहा होता है कि जी जैसे मैं कोई न्यूज़ सुना रही हूँ, क्यों मैं उनको कोई जो है ना, वो न्यूज़ की एंकरी कर रही होती हूँ। ऐसा नहीं है, मैंने प्रॉपर एक एड्रेस बताना होता है, प्रॉपर बताना होता है कि जी मैं किस जगह पे गई, वहाँ पे मैंने क्या खाया, उसकी क्या प्राइस थी, ये सारा कुछ। बाकी जो शुगर मिल है वो तो फिर लगता रहता है, वो तो फिर ज़िंदगी के साथ साथ है ना। फिर उसके बाद जी हम लोग शाम को निकले, खाना नाश्ता हम लोगों ने काफ़ी लेट किया था, चाय वगैरह पी के फिर उसके बाद हमने वीडियो एडिटिंग करनी थी, जो कि मैंने अपलोड करती हुई थी। अब मुझे पता नहीं कौन सी ग्लोरिया जीन्स वाली शायद वीडियो जो थी ना, उसकी एडिटिंग चल रही थी, ये बन रही थी और उसकी एडिटिंग चल रही थी। देख ले आपकी बहन आप लोगों के लिए कितनी मेहनत करती है, और आप लोग उसको मेहनत का कोई फल नहीं दे रहे हैं, उसकी वीडियो को सब्सक्राइब ही नहीं करते हो आप लोग। देखो ऐसा ना किया करो प्लीज़, मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर लिया करो। आप लोगों की वजह से देखो मुझे एक सब्सक्राइबर मिल जाता है, मेरी जो यूट्यूब फैमिली होती है उसमें एक नई एडिशन हो जाती है। तो भाइयों और बहनों प्लीज़ मेरे वीडियो को देखते हो तो उसको सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करो, आप लोगों का कुछ भी नहीं जाना, तो बाजी का बड़ा कुछ सवर जाना जे ताडे एक सब्सक्राइब दे नाल, ठीक है। तो मैं कहनी हूँ सब्सक्राइब कर दिया करो। फिर जी उसके बाद हम लोग एज़ यूजुअल, मैंने आपको बताया कि हम लोग चपली कबाब खाने के लिए आज जा रहे थे। मैंने कहा जी बड़ी हो गई कढ़ाइयाँ, बड़े हो गए पिज़्ज़े शवारमे बर्गर, तो क्यों ना आज जो है वो एक चपली कबाब का ट्राई लिया जाए। तो हम लोग यहाँ पे फाइंड कर रहे थे एक चपली कबाब वाला, जहाँ से हम लोगों ने काफ़ी अर्सा पहले ना आर्य बाज़ार में हम लोग खाते थे, जब कभी हमें वहाँ का काम पड़ता था तो फिर हम लोग आर्य बाज़ार के ना चपली कबाब खाते थे। लेकिन ना हमें उनकी लोकेशन एग्जैक्ट जो थी ना वो नहीं पता थी। उसके बाद हम लोगों ने ना नेट पे कोई गूगल पे जो था ना, यूट्यूब पे सर्च किया, तो हमें एक ना
हामिद नाम जो था ना वो, उसके चप्पल कबाब काफ़ी फेमस थे। तो ये हम उसी मार्केट की तरफ जा रहे थे, फिर वहाँ पर जाके जी हमारे साथ एक ट्रेजेडी हुई जो कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी कि आप लोग जब भी बाइक पे निकलो तो प्लीज़ कैंट वाली साइड पे जो है ना वो हेलमेट लेकर जाना, क्योंकि हेलमेट की वजह से बड़ी खवारी हुई, हमें भी बड़ी खवारी हुई। पहले हमने एक रास्ता चुना, वहाँ पे जी उसने कहा जी हेलमेट के बगैर आप नहीं एंटर हो सकते। फिर हम लोग निकले, फिर हम लोग दूसरे रास्ते की तरफ गए, फिर उनसे हमने रिक्वेस्ट की, उन्होंने कहा जी फर्स्ट और लास्ट टाइम हम आपको वार्न कर रहे हैं बट आपने यहाँ पे जो है ना हेलमेट के बगैर नहीं आना। तो इसी वजह से मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि कैंट वाली साइड पे जो है वहाँ पे बहुत स्ट्रिक्टनेस है हेलमेट की वजह से। तो आप लोग जब भी उस साइड को जाएँ तो हेलमेट लाजमी अपना साथ लेकर जाएँ, हेलमेट के बगैर आपको वहाँ पे एंट्री नहीं मिलेगी। तो ले जी ये मैं कहती हूँ आज इतना को रश ये फौजियों का, मैनू पहले डर लग गया कि तो जंग ही ना हो रही है। मैं कह जल्दी जल्दी से मैं खा लूँ चपली कबाब, वो ना हो कि जंग लड़ जाए क्योंकि मैं इन फौजियों को देख देख के ना तो मुझे डर ही लग ही जा रहा था। और मुझे जैसे जैसे जो एंकरी कर रहे थे ना मियाँ जी, मुझे उससे भी बड़ा डर लग रहा था। मुझे कहते जंग होने वाली है, जंग होने वाली है। मैं कह लो जी मैं चपली कबाब खान निकली सजे रस्ते से जंग लड़ गई तो फिर की बनेगा अपना इसलिए पहले जी चपली कबाब तो खा ले। उसके बाद जी हमें यहाँ से जो था जैसे तैसे करके हम लोग निकले। निकल कर तो हम लोग जा रहे थे, मैंने आपको बताया कि जहाँ से हम लोग पुराने खाते थे ना आर्य बाज़ार से, उसकी भी मैंने वीडियो रिकॉर्ड की हुई है। और लेकिन ये जो था ना काफ़ी मशहूर था गूगल पे, तो उनका मैंने कहा पहले सबसे पहले उसका ट्रायल कर लेते हैं फिर चलते हैं। और ये मेरे ख्याल में कोई 8-9 बजे का टाइम था इनका, और बहुत जल्दी जो थे इनके यहाँ पे चपली कबाब ख़त्म हो गए थे। हम लोग जब पहुँचे हैं तो मार्केट ऐसे थी जैसे दिन चढ़ा होता है, लेकिन जिस शॉप पे हम लोग गए थे ना हामिद चपली कबाब वालों के पास, ये था उनका एड्रेस, तो उनके पास जो था ना लास्ट एक ही चपल कबाब रह गया था, हमाद, सॉरी मैं तब से हामिद हामिद की जा रही, हमाद चपली कबाब था। तो मैं कहती हूँ कि वहाँ पे इतना रश था कि ये जो लास्ट एक लग रहा था ना वो हम लोगों ने ही लिया, और वो भी अगर हम 5 से 6 सेकंड तक अगर वहाँ पे ना पहुँचते तो वो भी किसी ना किसी ने ले जाना था। मैंने कहा जी आज तो हमने ट्राई करना, और मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा कि मटन में भी होते हैं, क्योंकि मुझे तो ज़्यादा बीफ का पता था और चिकन का पता था, बट इनके पास ऑप्शनल बहुत ज़्यादा थी, इनके पास चपली कबाब की बहुत ज़्यादा वैरायटी थी। फिर जी हम लोग जब पहुँचे तो तब ख़त्म हो गया था ये, इनका सिर्फ लास्ट एक ही जो था ना वो रह गया था। मैंने कहा चलो एक ही ट्राई कर लेते हैं। फिर इन्होंने हमें खुद इनवाइट किया था नेक्स्ट डे, इन्होंने कहा कि आप लोग नेक्स्ट डे आना, हम आपको अपनी तरफ से जो है वो चपली कबाब ऑफ़र करेंगे। बट मैंने इनका ये बीफ वाला एक खाया और मैं कहती हूँ मुझे बड़ा मज़ा आया, स्पेशली मुझे इनकी सॉस बड़ी अच्छी लगी, बड़ी गाढ़ी सी सॉस थी। ये देखें अब पता नहीं शान साहब हमें जो है वो सच्चे वाला एक्सप्रेशन दे रहे थे या फिर गलत वाला एक्सप्रेशन दे रहे थे, हमें तो कोई पता नहीं, ये तो अब शान साहब का भी बताओ लेकिन जी उन्होंने मिंगे चिपे बू बना के सानू दास्ता सी कि ज़बरदस्त है। फिर उसके बाद ये हम लोग नेक्स्ट डे आए थे, उन्होंने कहा था, उन्होंने हमें खुद इनवाइट किया था कि आप लोग नेक्स्ट डे लाजमी आइएगा। फर्स्ट डे तो मैंने आपको बताया जो हमारे साथ हुई ट्रेजेडी, लेकिन सेकेंड डे जब थे ना हम यहाँ पे खुद आए थे। दुकान का नंबर है और मिर्जा आशिफ होने वाला है और शायद 20 साल से हम मुझे काम कर रहे हैं अलहमदिल्ला। मियाँ जी बल्कि हमारे पास अच्छी क्वालिटी, और इस चैनल को आप जरूर पसंद करेंगे। तो जी ये माशाल्लाह भाई थे जिन्होंने हमें खुद इनवाइट किया था नेक्स्ट डे, उन्होंने कहा था कि आपको मेरी तरफ से जो है मैं आपको टेस्ट करवाऊंगा। लेकिन मैं कहती हूँ ये कुछ लोग जो है ना उनकी मोहब्बत होती है, उनका प्यार होता है, हम ये बिल्कुल भी यूट्यूब इसीलिए नहीं बनाते कि हम वहाँ पर जाकर और ये चीज़ हाईलाइट करें कि नहीं हम यूट्यूब से हैं तो आप हमसे पैसे नहीं लें। बट मैं कहती हूँ ये उनका प्यार था जो उन्होंने हमें कहा कि नहीं आप आइएगा और जो है वो हम खुद से जो है वो आपको जो है वो ट्राई करवाएंगे।
तो फिर जी उसके बाद हम लोगों ने उनको कंप्लीट बिल नहीं दिया था। उन्होंने, ये भी उनकी मोहब्बत है, उन्होंने खुद से ही जो थे ना, हम कहा कि आप जितने मर्जी दे दें, लेकिन मैं कहती हूँ कि मैं आपको 100 में से अगर मुझे जो 10 में से अगर मुझे इनको नंबरिंग देनी पड़े, मैं 10 out of 10 ही दूँगी। इनका मैंने बीफ ट्राई किया था, बहुत ज़बरदस्त था। इनका मैंने चिकन ट्राई किया था, बहुत ज़बरदस्त था, ठीक है। और इनका मटन भी है, वो भी बहुत ज़बरदस्त है। तो आप लोग जब भी जाइएगा, आप इस जगह, ये जो हमाद था इसके पास, हमाद चपली कबाब, एड्रेस उन्होंने बता दिया आपको, तो आप लाजमी विज़िट कीजिएगा। मैं कहती हूँ कि कैंट पे जो रहते हैं ना लोग, सदर में कैंट में जो लोग रहते हैं ना, उनकी मौजें हैं, क्योंकि हमें इतनी दूर से आना पड़ता है, लेकिन वहाँ के लोगों को मौजें लगी हुई हैं कि उनको 140 120 में जो है इतना ज़बरदस्त मज़े का चपली कबाब मिल रहा है, और कॉम्प्लीमेंट्री आपको साथ में वो दो किस्म की जो है वो सॉसेस भी दे रहे हैं। वरना आपको पता है, बाहर आप किसी भी रेस्टोरेंट में चले जाओ ना, 30-40 रुपये का तो वो इजीली आपको आराम से रायता डाल देते हैं। अगर बड़े रेस्टोरेंट में चले जाओ, वो तो 120-130 का कहेंगे आपको। तो इसी वजह से मैं आपको ये जो है ना रिकमेंड करती हूँ कैंट वालों को और सदर वालों को, ठीक है। फिर उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट लोकेशन की तरफ जा रहे थे। मैंने कहा ये रास्ते में थोड़ा बहुत आपको उनका बाज़ार भी दिखा देती हूँ सदर वालों का, जो कि मुझे बहुत ज़बरदस्त लग रहा था कि रात को तकरीबन 9-10 बजे का टाइम था, और माशाल्लाह से मैं कहती हूँ रश लगा हुआ था, कहते हैं ना रश पा देंगे, ये ओ वाला रश लग गया सी। उसके बाद ही हम अपनी सेकंड लोकेशन की तरफ जा रहे थे, जहाँ आर्य बाज़ार वाली साइड पे। मैंने कहा चलो अब निकले हैं तो उनका भी ट्राई कर लेते हैं। मैं कहती हूँ कि हम इतने अरसे से उसी का खा रहे थे और हम उसी की तारीफें करते रहते थे कि वाह इससे ज़्यादा अच्छे तो है ही नहीं है किसी के पास। लेकिन आज हम लोगों ने जब ये हमाद चप्पल कबाब से खाया था ना, इसके आगे मुझे किसी और चप्पल कबाब का टेस्ट तो बिल्कुल भी समझ ही नहीं आया। मैं कहती हूँ चिकन अगर हमने टेस्ट किया उसका अलग जायका था, अगर हम लोगों ने बीफ खाया उसका अलग जायका था, और मटन का अलग जायका था। फिर उसके बाद ही हम लोग ये वही सेकंड लोकेशन पे आ गए थे, जहाँ से हम लोग बहुत पुराने आर्य बाज़ार से खाते थे, आर्य बाज़ार के चप्पल कबाब खाते थे। लेकिन इसको जो है ना, मुझे ये इतने कुछ खास नहीं पसंद आए थे ऐसे मैं कहूँ ये, लेकिन लगा रहे थे भाई, और इनके पास जो था ना, मुझे इतने, मतलब इनके पास सिर्फ एक ही था, इनके पास बीफ ही था, और इनके पास चिकन मटन कुछ भी नहीं था। तो वो कहते हैं हम लोग सिर्फ यही लगाते हैं, बीफ जो है ना हम लोग यही लगाते हैं। तो इनका मुझे कोई इतना खास नहीं आया, लेकिन जिस टाइम पर हम खाते थे उस टाइम पे हम कहते थे कि जी इससे अच्छे तो चप्पल कबाब कहीं हमें मिल ही नहीं सकते हैं। तो जी बस मैं दोनों में से अगर किसी एक जगह को रिकमेंड करना होगा तो मैं डेफिनेटली जो सदर में हम आज चप्पल कबाब वाले हैं ना, मैं उन्हीं को ही रिकमेंड करूँगी। और मैं जब भी मैं उस साइड को जाऊँगी या जब भी मेरा उस साइड को चक्कर होगा, तो मैं लाजमी वहाँ के चप्पल कबाब जो है ट्राई करके आऊँगी। और अगर वो मेरी वीडियो भाई देख रहे हैं तो मैं उनको बोलती हूँ कि जज़ाकअल्लाह, शुक्रिया आप लोगों ने हमें मतलब बुलाया और हमें मतलब इतनी रिस्पेक्ट दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर उसके बाद जी ये भाई लगा रहे थे, तो ये देखे लगाते लगाते उस भाई के पास भी रश पड़ गया। मैं कहती हूँ जहाँ हम जाते हैं ना वहाँ पर रश शुरू हो जाता है, वो एक है ना कहते हैं कि जहाँ मैं खड़े होते हूँ वहीं पीछे लाइन बन जाती है, ये इधर भी वही वाला हिसाब हुआ था। उसके बाद जी हम लोग फिर यहाँ से लेकर हम लोग घर आए, घर आके क्योंकि वहाँ पे हम लोग ऑलरेडी जो था ना वो खा चुके थे, पेट हमारा भर गया था, ये हम लोग लेकर आए थे घर। क्योंकि हम लोग अक्सर कहीं भी ऐसे बाहर जाते हैं ना, तो मोस्टली हम बच्चों को नहीं लेकर जाते हैं, बच्चे घर पे होते हैं, क्योंकि एक तो हमें प्रॉपर एड्रेस का नहीं पता होता, हम लोगों ने गूगल से सर्च करके जाना होता जब हम लोग किसी न्यू वीडियो के लिए जाते हैं ना, तो हम बच्चों को फिर घर छोड़ के जाते हैं ताकि जो है ना वो बच्चे डिस्टर्ब ना हो और वो तंग ना हो। और हम लोग बाइक पर जाते हैं, गाड़ी पर नहीं जाते हैं, और गाड़ी हम लोग बहुत कम यूज़ करते हैं। आपको पता है मुल्क के हालात की वजह से पेट्रोल कितना महंगा हुआ पड़ा है। बस ये तो घर घर की कहानी है कि इन दिनों में पेट्रोल भी महंगा, यूनिट भी महंगा, और बिल मैं कहती हूँ कि अगर सारे घर की लाइटें पंखे बंद भी करके रखोगे ना, फिर भी आपको 2000 जो है ना आराम से बिल आ जाएगा। ये तो घर की सूरत हाल बनी है बिलों की और पेट्रोल की, क्या बंदा गरीब खाएगा और क्या गरीब जो है वो ज़िंदगी गुजारेगा। मैं कहती हूँ गरीबों ने तो शायद ऐसे ही मर जाना,
अमीरों के शौक है, अमीरों के सर चश्के हैं, उनको हर चीज से किसी चीज से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन मैं कहती हूँ गरीब बेचारे की जिंदगी ऐसी ही है। तो ये देखें, ये गरीबी की हालत में भी देखिए आपको कितना मज़े का खाना मिल जाएगा। अगर आप जाते हैं हमारे चप्पल कबाब पे, तो वहाँ पे आप 120 का एक चप्पल कबाब लेते हैं, साथ में एक नान लेते हैं, रायता तो वो आपको वैसे भी फ्री देगा, पानी भी उनकी तरफ से फ्री वहाँ पे मिलता है आपको पानी भी वो आपको फ्री में ही देंगे, पानी के भी वो आपसे पैसे नहीं लेंगे। तो देखिए 150 में आप आराम सुकून से अपना खाना शाना खा के आ सकते हैं। तो जी ये थी मेरी आज की वीडियो, जो कि मैंने आप लोगों के लिए 2 पॉइंट शूट किए थे, सॉरी 3 पॉइंट जो थे वो मैंने आपके शूट किए थे। जी ये किस जगह पे आपकी लोकेशन की? ये आरे बाजार, कैंट आरे बाजार। कैंट आरे बाजार, ठीक है। बाजार, ये बाजार का नाम आरे बाजार ही है? हाँ जी आरे बाजार, ठीक हो। ये कितनी पुरानी दुकान है आपकी? तकरीबन हो गया 60-70 साल की हो गई। अच्छा अच्छा, मेरे वाली साहब के नाना होते थे। अच्छा, तो किस नाम से आपकी दुकान है? ये हनीफ ब्रदर चप्पल कबाब। हनीफ ब्रदर के नाम, ठीक है। नहीं बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हाँ जी, तो ये हमारी सेकंड लोकेशन थी। ये देखिए भाई ने आपको एड्रेस समझा दिया है, तो आप देख लीजिएगा कि आपने अब कौन सी वाली लोकेशन आपको ज़्यादा नज़दीक पड़ती है, तो आप लोग लाजमी जाइएगा। लेकिन मैंने जिसके रिकमेंड करने थे मैंने आपको रिकमेंड कर दिए हैं। आप सदर में कैंट में रहने वालों की मौजें, और उनका मैंने बता दिया कि सस्ते में वो कैसे अपना अच्छा खाना खा सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम लोग मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आपने मुझे नेक्स्ट वीडियो तक बहुत सारा प्यार देना है, और मेरी पुरानी वीडियो को इतना सारा प्यार देने के लिए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह। इंशाल्लाह ताला हम लोग अब मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। फिर जी हम लोगों ने ये घर के लिए कुछ चीज़ें लेनी थी, बच्चों के लिए अंडा ब्रेड वगैरह लेना था, हम लोगों ने वो ले लिया, और उसके बाद हम लोग घर आ गए। अल्लाह हाफिज़।